आने का ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन हमारे यहाँ अभी जो गांव की स्थिति है वो बद से बदतर हो गई है। हमारे यहाँ जुआ, शराब, सूद पर पैसा, ये सब बहुत ज़्यादा हो गया है, जिस पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। और हमारे ही गांव के कुछ अच्छे लोग जो कहलाते हैं बैठ के उसको बढ़ावा देते हैं, जिस पर बोलने वाला कोई नहीं है उनके डर से। तो ये सब देखते हुए हमको लगा कि नहीं, राजनीति में आना चाहिए और उस पर लगाम लगाना चाहिए। कितना कुछ विगत 5 सालों में आपके पंचायत में कार्य हुए हैं विकास के नाम? विकास के नाम पर यही हुआ है कि हमारी गली की नाली बनी है जो पहले से बनी हुई थी, और नाली में खर्च हुआ है 1 लाख रुपया और फंडिंग हुआ है उसका 10 लाख रुपये का। यही विकास हुआ है, हर तरफ यही हुआ है। अगर आप यहाँ से जीतते हैं तो अगर वोट मांगने का काम करते हैं पंचायत वासियों से, तो क्या मुख्य एजेंडा रखे हुए हैं आप अपने पंचायत वासियों से? मेरा मुख्य एजेंडा है सबका साथ सबका विकास, और अमीर हो या गरीब मेरे लिए सब एक समान, सबका काम होगा और कोई घूस नहीं कुछ नहीं। सबको राशन मिलेगा, जिसको राशन नहीं मिलता उसको भी मिलेगा, जिसका आवास नहीं है उसका आवास बनेगा। ऐसा नहीं कि जिसका आवास बना है उसका 2-2 आवास यहाँ बन गया है, जिसका ऑलरेडी आवास है उसके ऊपर भी उसको आवास बना है, और जिसका नहीं है वो टेंट लगा के रह रहा है। ये सब नहीं होगा। अगर यहाँ की जनता आपको जिताने का काम करती है तो सर्वप्रथम अपने अपने पंचायत में विकास के नाम पर क्या कार्य करेंगे? विकास के नाम पर काम हमारा होगा कि यहाँ के जो जिस भी गांव के जो युवा वर्ग हैं, सबसे पहले हम उनको वहाँ का काम सौंपेंगे और काम वहाँ करवाएंगे। और यहाँ काम तो हुआ ही नहीं ना, 50 लाख का फंड दिखला दिया गया कि नाली बना, रोड बना, और सब पॉकेट में चला गया। वो काम होगा ऑटोमेटिक, सबको रोज़गार भी मिलेगा। दलितों के लिए जो आपके दलित बस्ती आपके पंचायत में गरीब तबके के लोग ज़्यादा रहते हैं, जो अपना दैनिक मजदूरी करके अपना गुजर बसर करते हैं, उनके लिए आपने क्या सोचा है अपने पंचायत में, उनके लिए क्या करेंगे आप? दलितों के लिए सबसे पहले देखिए है क्या ना कि यहाँ पर स्कूलिंग का भी कमी है, ठीक है, तो वो सब हमको लगता है कि स्कूल के लिए भी थोड़ा सा गवर्नमेंट से करके फंडिंग करके स्कूल बनवाना है पढ़ाने के लिए, क्योंकि उनका भी बाल बच्चा कुछ पढ़े और कुछ सोचे खुद के बारे में भी,